नमस्कार, मैं अरविंद शुक्ला, एस्ट्रो तक में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं पितरों की शांति एवं उनके उद्धार के लिए इंदिरा एकादशी का क्या महत्व है। तो सबसे पहले श्री हरि भगवान विष्णु के चरणों में नमन करते हैं। शशंखचक्रम शकरेत कुंडलम शपित वस्त्रम सरशीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभाश्रियम नमामि विष्णु सिरसा चतुर्भुजम ओम श्री विष्णवे नमः। तो ये जो इंदिरा एकादशी है, यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ता है। इस एकादशी का व्रत करने से अधोगति को प्राप्त पितृगण शुभ गति को प्राप्त होते हैं। अर्थात इस एकादशी के व्रत के करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है, पितरों को सद्गति प्राप्त होती है, पितरों को शांति मिलती है। तो इस व्रत का सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा महत्व बता दूं कि इस एकादशी के व्रत के करने से पितरों को पितृगण शुभ गति को प्राप्त करते हैं, यानी पितरों का उद्धार होता है। इसलिए भटकती हुई जो पितरों की आत्मा है या जिस तिथि पे आप कोई श्राद्ध नहीं कर पाते हो, वो इस तिथि पे श्राद्ध करें और इस एकादशी का व्रत आप रहें। बहुत ही महापुण्यप्रद और फलदायी यह एकादशी का व्रत होता है। पूजन की विधि क्या है? यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ता है। प्रातःकालीन स्नान आदि करके आप श्रद्धापूर्वक श्राद्ध के लिए तैयार हों। दोपहर के समय में जो श्राद्ध का समय होता है, भूमि श्राद्ध का जो समय होता है, उसमें पितरों से पूर्व भगवान शालिग्राम का यानी भगवान विष्णु का या शालिग्राम का विधिवत पूजन करें। जैसा कि क्रमशः उनको स्नान आदि कराएं, फिर पंचामृत आदि से स्नान कराएं, वस्त्र आदि चंदन आदि पहना करके विधिवत उनका पूजन करें और उसके बाद फिर पितरों का आप पिंडदान आदि या श्राद्ध कर्म आदि या ब्राह्मण भोजन आदि जो भी कुछ आपके पास यथा व्यवस्था है उसके बाद फिर आप वो करें। तो इस प्रकार से करना चाहिए और इसमें आपको अन्न नहीं ग्रहण करना है। यह व्रत एकादशी के व्रत का विशेष यही होता है कि अन्न त्याज होता है। इसमें अन्न किसी भी स्थिति में आपको नहीं ग्रहण करना है। फलाहार आदि करके और भूमि पे उस दिन आप जो है शयन करें और बड़े ही शुद्धता पवित्रता के साथ भगवान विष्णु का इस प्रकार से पूजन करें। अब इसकी थोड़ी कथा के विषय में आपको हल्का सा बता दूं कि इस व्रत की कथा का उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है कि सतयुग में महिष मतिपुरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रबल प्रतापी राजा राज करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य से परिपूर्ण था। वह अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उस राजा के पास एक दिन नारद जी पहुँचे तो नारद जी का उसने बहुत ही अतिउत्तम सत्कार किया, बहुत विशेष उनकी सेवा की और स्वागत उनका किया। इसके बाद में उनसे प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ वह आप बताएं। तो नारद जी ने कहा कि धर्मराज की सभा में उसके जो माता पिता थे वो स्वर्गवासी हो चुके थे। तो ऋषि नारद जी ने कहा कि धर्मराज की सभा में आपके माता पिता की स्थिति बेहतर नहीं है। उनने मुझे तुम्हारे यहाँ तक संदेश पहुँचाने के लिए कहा है कि पिछले जन्म में मैं किसी भी प्रकार का कोई व्रत और व्रत नहीं रहा हूँ, ना कोई विशेष पुण्य कार्य किया है। इस वजह से मैं यम आदि दूतों के यहाँ हूँ और मेरे को सतगति प्राप्त नहीं हो रही है। तो
तो मेरे पुत्र से जाके संदेश हे ऋषिवर कहिए कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो ये इंद्रा एकादशी है, इस एकादशी में विशेष प्रकार से मेरा श्राद्ध कर्म आदि करके और उस विशिष्ट पुण्य प्रताप से मुझे वह सद्गति दिलाए और मुझे जो है परम गति की प्राप्ति हो और मैं अपने आप को मोक्ष को प्राप्त करूं, ऐसा आप संदेश मेरे पुत्र से कहिए। तो ऋषि वर नारद जी ने आके उसके पुत्र से यह सारा संदेश उनने कहा। तो नारद जी से इंद्रा एकादशी के व्रत का पूरा उनने जो है तो पूछा इंद्रसेन नामक राजा ने कि हे ऋषिवर, इस व्रत को कैसे करते हैं, किस प्रकार से इसका नियम है, क्या इसकी विधि है। उसी प्रकार से उस राजा ने इस व्रत को किया और इस व्रत के करने से उनके माता पिता को सद्गति की प्राप्ति हुई। तो ये जो आश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इस एकादशी में श्रद्धापूर्वक व्रत रह करके और अपने पितृजनों के निमित्त इन पितरों की शांति एवं उनके उद्धार के लिए आप कामना कीजिए, निश्चित रूप से उनकी जो है सद्गति होगी और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, उनका उद्धार होगा। तो बस आज इतना ही। नमस्कार।